इंतजार था कि आखिर जीत किसके खाते में जाती है। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, तीनों ही प्रत्याशी कांग्रेस के जीते और एक सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बेहद अहम जहां परिणामों का इंतजार यहां पर किया जा रहा था राज्यसभा चुनाव को लेकर, इस वक्त की यह बड़ी खबर है। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। जो दावे कांग्रेस ने किए वो सच साबित हुए, जहां रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जीते हैं। हालांकि कुछ देर पहले तक जानकारी जरूर सामने आई कि किसके पक्ष में कितने वोट पड़े और इसके बावजूद काउंटिंग जारी थी। हालांकि अभी 3 सीटों पर जो जानकारी मिल पाई है, जीत कांग्रेस की हुई है। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, ये तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के, तीनों ने जीत यहां पर दर्ज की है और कुछ ही देर में 4th सीट को लेकर भी तस्वीर यहां पर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो दावे किए थे कांग्रेस ने, और 4th सीट पर घनश्याम तिवारी ने जीत दर्ज की है, बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम तिवारी, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है, यानी 4 अहम सीटें। माना यही जा रहा था कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होते मैदान में तो निर्विरोध यहां पर निर्वाचित हो सकते थे ये चारों सदस्य, लेकिन यहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला हुआ जब 4 सीटों पर 5 कैंडिडेट आ गए और उसके बाद लगातार बाड़ेबंदी हुई, किस तरह से बातचीत होती रही, विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की, तो एकजुट करने की बातें की, बहुत कुछ हुआ। कोशिशें दोनों तरफ से की गई, कांग्रेस और